यहाँ इसमें कैसे होगा, उसको इंसर्ट करेंगे एसएपी में अपन? उसने क्या किया, 10 रुपए का सप्लीमेंट्री इनवॉइस बनाया, ठीक है, तो बिल्कुल। अब क्या हो गया कि वेंडर की जो सप्लीमेंट्री इनवॉइस होगी हम यहाँ पे डालेंगे एपी पे डेबिट, ये जो आप क्रेडिट मेमो देख रहे हैं क्रेडिट मेमो पे, क्योंकि 10 रुपए से क्या करना होगा, वेंडर को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। हाँ, अपनी लाइबिलिटी खड़ी होगी ना। अब हम उस वेंडर को 10 रुपए से बढ़ाएंगे, उसको क्रेडिट देंगे ना 10 रुपए पर आइटम, बिल्कुल। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम डालेंगे, अब तो वेंडर को तो हम क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन वो 10 रुपया हम अपने इनहाउस काम मेंटेन करेंगे, तो 10 रुपया तो वेंडर को चला गया, लेकिन हम किस पे दे रहे हैं उसको, वो तो हमारा स्टॉक में जो मटेरियल है उसी के बेस पे दिया ना हमने, बराबर उसी के बेस पे दिया, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा 10 रुपए से, तो आइटम की वैल्यू 10 रुपए से बढ़ जाएगी फिर वो तो। हाँ एग्जैक्टली, जो 100 का था वो 110 का हो जाएगा, 110 का हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे विदाउट सिस्टम क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बावजूद भी नहीं आ रहा, इंपैक्ट नहीं कर रहा है। हाँ बराबर। अब देखिए सिंह जी, हाँ दिलदार सिंह जी, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, सुनिए अब क्या है, हम अभी क्रेडिट में वो बना रहे हैं, अब इतना ध्यान रखिएगा, क्रेडिट में वो हम तभी बनाते हैं जब वेंडर को हमें कुछ पे करना होता है, जब हम पर वेंडर की लायबिलिटी बनेगी, तो किस केस में लायबिलिटी बनेगी, कि वेंडर ने बोल दिया कि भाई अब नया प्राइस चेंज हो गया, पहले जो प्राइस था उससे प्राइस बढ़ गया, बिल तो बन गया है लेकिन प्राइस इंक्रीज कर गया 5 रुपए से 2 रुपए से 3 रुपए, जैसे मैंने यहाँ 2, 3, 4 दिखाया है ना, उसने बोला बिल तो बन गया आपका, ठीक है बिल मैं भेज रहा हूँ मटेरियल के साथ, बट प्राइस क्या हो गया, रिवाइज हो गया, इस आइटम का इतना प्राइस बढ़ गया, इस आइटम का इतना बढ़ गया, तो उस केस में वो क्या करेगा, हमें वो अपना सप्लीमेंट्री इनवॉइस बना के देगा, उस सप्लीमेंट्री इनवॉइस की एंट्री हम यहाँ पे करेंगे 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए से, तो अब ये जब करेंगे तो वेंडर हमारा क्या होगा, इस सप्लीमेंट्री इनवॉइस के बेस पे क्रेडिट हो जाएगा, हमारा स्टॉक अकाउंट उतना से डेबिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो वो प्राइस बढ़ा के दे रहा है, अगर हम वेंडर को क्रेडिट कर रहे हैं तो उसके बेस पे हमारे यहाँ किस पे इफेक्ट पड़ेगा, जो आइटम हमने मंगाया है उसी पे इफेक्ट पड़ना चाहिए, उसका जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन वैल्यू जो है वो क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, तो इसीलिए ये जो प्राइस इंक्रीज कर रहा है जितनी भी क्वांटिटी होंगे उसके इन्वेंट्री वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, तो उससे आइटम नहीं बढ़ जाएंगे अगर अपन इस बेस पे बनाएंगे, क्वांटिटी नहीं बढ़ेंगे, आपने ये देखा नहीं, आप देखिए इसमें अगर हम लेंगे तो अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं तो आप अगर देखेंगे इसको हम अगर जनरल एंट्री मार रहे हैं तो ये हमें क्लीन करा रहा है क्या, देखिए स्टॉक की सिर्फ वैल्यू बढ़ेगी, रॉ मटेरियल इसकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी एंट्री अगर एंट्री बढ़ जाएगी तो दुगना हो जाएगा यहाँ पे जो क्वांटिटी, हाँ ओनली इसकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर आप इसको नहीं रखते हैं तो देखिए हाँ क्या होता है, तो भी वही है, तो बैच पूछेगा, तो भी वही है, बैच कुछ नहीं पूछा, सेम आ रहा है, सेम ही आ रहा है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ऐसा तो नहीं कि अपनी क्वांटिटी और बढ़ जाएगी, ऐसा करते हैं एक इंट्री मार के देख लो, हाँ पहले इसका इन्वेंटरी डाटा में देख लीजिए कितना हो रहा है, लास्ट में आइटम राइट साइड राइट और बिल्कुल वैल्यू बढ़ गई, स्टॉक वैल्यू स्टॉक क्वांटिटी सेम रह गई, सिर्फ ये वैल्यू में माइनर चेंज हुआ है, 99.775 है, पहले कितना था, वही वही था, उतना ही था, लेंगर पहले 7.5 था, 7.5 था ना, मूविंग एवरेज चल रहा है ना, तो उसने 100 के 100 पीपो में लेके आया होगा, हाँ नहीं कोई नहीं, हम ऐसा करते हैं ना इन्वेंटरी ऑडिट रिपोर्ट में चलते हैं, अभी क्लियरली बता देगा कि क्या हुआ है, इसका पहले कितना था अब कितना हो गया,
स्टॉक वैल्यू यहाँ पे दिखाता है लेकिन उसका इम्पेक्ट पड़ेगा नहीं, अगर वो पड़ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। वो तो फिर अगर 100 के 100 से उसने डिवाइड करा हो तो बहुत कम वैल्यू में वो इम्पैक्ट आया होगा ना, इसीलिए वो डेसिमल में आया होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ, बता देगा यहाँ पे इन्वेंटरी पोस्टिंग। अच्छा इन्वेंटरी ऑडिट रिपोर्ट। हाँ अभी जो हमने देखिए 2 रुपए से ये है ना एक आइटम, ये 2 रुपए आउटडेट में यही माना 2 रुपए से, या 100 था क्वांटिटी, 100 के 100 ही रह गया, प्राइस में वेरिएशन। देखिए पहले ये था 975, ये आ गया 977। ठीक है, ये चेंजेस मात्र हुए, ठीक है, माइनर चेंज हुए जिसकी वजह से आपको वेरिएशन नहीं दिख रहा है, लेकिन प्राइस में हुआ। ठीक है, तो ये रीजन है जिसकी वजह से आपका एपी क्रेडिट मेमो बनता है प्राइस मैनेजमेंट। और दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर आपने सपोज दैट 10 पीस मांगा, उसके बाद अचानक आपने उसको वेंडर को बोल दिया कि मेरे को 12 पीस दोगे, 2 पीस एक्स्ट्रा दोगे, तो एक्स्ट्रा क्रेडिट मेमो बनाएंगे, क्योंकि 2 पीस मंगाया है एक्स्ट्रा, उसकी तो लेबिलिटी आप पे खड़ी होगी, आपको पे करना ही है, तो वो भी केस बनेगा इसमें। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपके क्रेडिट मेमो बने, एक तो प्राइस मैनेजमेंट एंड दूसरा क्या सप्लाई केस में, दूसरा क्वांटिटी अगर वेरी कर रहे हैं आप तो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। क्लियर सरदार सिंह जी? ओके हाँ जी अंकल, क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब चलते हैं रंजीत जी। हाँ बताइए, ये एक बार अनटिक करके इसको एंट्री करके देखिए ना क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। नहीं वो जाएगा इस, तो अब तो ये नहीं होगा ना, तो ये चल गया तो स्टॉक में जाएगा, मैं करके वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये चला गया। राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट, इसको डुप्लीकेट कर ले राइट क्लिक करके। तो फिर एपी इन्वेस्ट कोई तो दीजिएगा, किसके बेस पे आप बनेंगे? अच्छा बराबर, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक इन्वेस्ट डाल लेते हैं ना हम लोग, उसके बाद3 नंबर ऊपर जीएसटी टैक्स उसको बना रहा है ना। 4 नंबर का ही हाँ, चार डेबिट में वो क्रेडिट में वो क्रेडिट में वो समझ आ गया सर, जब जो एआर में करते हैं यहाँ से वो डेबिट मेमो होता है ना सर, जब एआर के बीच में से करते हैं वो क्रेडिट होता है, या थोड़ा उल्टा है इस केस में? तीन सौ क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मतलब 103 वगैरह कुछ हो जाएगी। ओके रुपए 3 रुपए चलो कर देंगे ना, आप समझिए कि इनवॉइस का आप बना रहे हैं, आप ये एपी इनवॉइस बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, अगर हाँ एपी इनवॉइस बना, हाँ एपी इनवॉइस ही बनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, वेंडर क्रेडिट होगा, स्टॉक आपका डेबिट होगा। चलो उस केस में हो जाएगा ना, जल्दी से 2 पीस एक्स्ट्रा आपने बोले भी बिल 10 का आया था पर 12 आए, उस केस में ऐसे ही हुआ? ये डिफरेंस मांगता है और मांगना भी चाहिए,
क्योंकि जरूरी है रेफरेंस वो कनेक्टिविटी बनाएगा नहीं किसके बेस पे, ठीक है, तो ये मांगना जायज है इसका। ठीक है आपका इंस्टॉलमेंट में तो इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा है, अब उसको अभी देख लेते हैं कितना है। सो नहीं तीन और कॉस्ट भी बढ़ जाएगी 103 कॉस्ट भी चेंज हो गई घट जाएगी भाई साहब। हाँ घट गई ना क्योंकि अब यहाँ पे जिसका प्राइस 85 था उसको आपने 2 रुपए में परचेज किया है वो कट गया। हाँ एवरेज वैल्यू तो घट गया इसलिए एवरेज प्राइस निकाली उसने। हाँ तो घट गया क्लियर ठीक है बस अब आपको बराबर डेबिट ये कंफ्यूजन रहता है और बार बार भूल जाते हैं लोग बार बार कंफ्यूजन मुझे भी बहुत बार कंफ्यूजन हुआ है ये डिस्कशन जो हुआ है ना उसको जब वीडियो देखोगे जब भी भूलोगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी कभी भी आपको क्लियर नहीं क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया ना ये कभी भी दिक्कत आपको नहीं करेगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे आए डेबिट में अच्छा पेपी इनवॉइस ले लेते हैं उसी से बनाते हैं ना डायरेक्ट यहाँ पेपी इनवॉइस में चलेगा ओपन है 3 नंबर ठीक है अब इसके कॉपी हम लोग अब ये कुवैत में नहीं है ये अभी ओपन कर रहे हैं ना कुवैत में नहीं है क्योंकि कुवैत में टैक्सेस नहीं है इसलिए जीएसटी और ई इनवॉइस तक लफड़ा ही नहीं है। आपके यहाँ तो सही है बढ़िया है फ्री है डायरेक्ट वेंडर ने हमें मटेरियल भेजा ठीक है और मटेरियल क्या हो गया इन बिटवीन डैमेज हो गया एक पीस दो पीस डैमेज हो गया इतना पीस सपोज एक पीस डैमेज हो गया तो एक पीस से हम इसको डेबिट कर देंगे ठीक है ये दो पीस में से एक पीस डैमेज हो गया तो इसको डेबिट कर देंगे इसको मान लिया कि एक पीस से हम इसको डेबिट कर देंगे तो वेंडर को डेबिट कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा मतलब हमारे हमें पे करने की लायबिलिटी वेंडर पे खड़ी हो जाएगी समझ रहे बात को तो उस केस में वेंडर ने डैमेज हो गया या फिर ये मटेरियल आप सपोज दैट अगर इतना मटेरियल तो प्राइस वेरी कर जाएगा बिल उसने बना दिया और प्राइस कुछ चेंज हो गया कम हो गया ठीक है तब फिर डेबिट मेमो आप बनाएंगे क्लियर हो रहा है सिंह जी हमने अभी जो केस क्या हो रहा था जो भी चीजें हो रही थी वो वेंडर की वेंडर को पे करने की लायबिलिटी हम पे खड़ी हो रही थी या तो वेंडर हमें एक्स्ट्रा मटेरियल भेज रहा था या फिर प्राइस वेरी कर रहा था वेंडर ने बढ़ा दिया प्राइस तो उसको पे करने की हम पे लायबिलिटी खड़ी हो रही थी। अब गवर्नमेंट नॉर्म क्या कहता है वो तो वेंडर को ऐसा भी केस आ सकता है कि मटेरियल जो वेंडर भेज रहा है वो डैमेज हो जाए ठीक है हमने 10 पीस मांगा था वेंडर से उसने भेजा तो 10 पीस लेकिन 2 पीस डैमेज हो गया ठीक है तो हम 2 पीस का पैसा तो नहीं पे करेंगे ना 8 ही पीस का पैसा पे करेंगे तो उस केस में क्या करेंगे हम 2 पीस का यहाँ पे डेबिट मेमो बनाएंगे वेंडर को 2 पीस यहाँ पे डालेंगे ठीक है उस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में और डेबिट मेमो काट देंगे तो उतना जो क्वांटिटी का जो प्राइस जो होगा 2 पीस का वो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा यानी कि हमारी क्रेडिट उसके यहाँ खड़ी हो जाएगी हम क्रेडिट हो जाएंगे और वेंडर डेबिट हो गया तो हमारी क्या हो जाएगा क्रेडिबिलिटी वेंडर पे खड़ी हो जाएगी वेंडर अब हमें 2 आइटम का पे करेगा ठीक है। दूसरा केस क्या क्या हुआ कि वेंडर ने बिल बना दिया मटेरियल सेंड कर दिया उसके बाद बोला कि ये जो आइटम थे इसके प्राइस जो पहले 80 रुपीज थे अब ये 78 रुपीज का हो गया 2 रुपीज डिक्रीज हो गया हमने बिल तो बना दिया लेकिन इसको आप
डेबिट डेबिट मेमो से मेंटेन करना है ना, ठीक है, मैं आपको क्रेडिट मेमो इधर से दे दूंगा, तो वो हमें क्रेडिट मेमो बना के देगा ₹2 का जो डिक्रीज किया है, ठीक है, और हम क्या करेंगे डेबिट मेमो यहाँ पे बनाएंगे, ₹2 से हम डेबिट मेमो बनाएंगे, तो हमारा जो ₹2 का जो डिफरेंस जो प्राइस था वो वेंडर पे लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। तो दोनों ही केस में मटेरियल भेजा कुछ डैमेज हुआ तो लायबिलिटी हमारी खड़ी हो जाएगी वेंडर पे, या फिर प्राइस जो वेरी किया जो पहले था प्राइस और उसमें कम हो गया तो हमारी लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे वेंडर को डेबिट मेमो बना के देंगे, वो एक्चुअल में यहाँ पे क्रेडिट मेमो दिख रहा है लेकिन है क्या ये डेबिट मेमो है। अगर आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप जनरल एंट्री में देखेंगे तो वेंडर क्या हो रहा है यहाँ पे डेबिट। अब रही बात प्राइस मैनेज करने का बात होगा, तो सबको डेट अगर ₹2 से घटा है आइटम का प्राइस तो हम यहाँ पे ₹2 डाल देंगे, यहाँ पे ₹3 डाल देंगे, नीचे वाले में ₹3, इसमें मैंने ₹3 डाले और इसमें मैंने ₹2 डाले, कितना से प्राइस पहले जो बना के दिया था बिल उसके रेस्पेक्ट में इतना प्राइस अब डिक्रीज हो गया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे विदाउट पोस्टिंग, तो स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये प्राइस मैनेज जाए, ठीक है, तो ये प्राइस चाहे रिफरेंस पॉइंट दिख रहा है तो रिफरेंस है हमारा 3 नंबर इन्वॉइस है, यहाँ पे आएंगे 3 नंबर यहाँ पे डालेंगे हम डेटा, अब इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा ये जो है आपका ट्रांजेक्शन होता है, देखें, ठीक है, तो ये जो प्राइस था आपका उस पर्टिकुलर बेस पे प्राइस जो वैल्यू था वो आपका जो प्राइस की जो बात कर रहे थे जो डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज जब होगा तो ऑब्वियसली बात आपका स्टॉक भी क्या होगा उसी वैल्यू पे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वांटिटी आपके स्टॉक में जाएंगे नहीं, सिर्फ एक एक ही क्वांटिटी का प्राइस जो है इतने डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो ओवरऑल जो आप देखेंगे वैल्यूएशन मेथड तो टोटल वैल्यू का जो क्वांटिटी जो देखेंगे वो आपका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, ये देखिए इसकी अभी स्टॉक क्वांटिटी कितनी है, अभी स्टॉक क्वांटिटी आप देखेंगे तो इसकी कितनी है 103। अब मैंने विदाउट पोस्टिंग क्वांटिटी कर दिया, इसको जब मैं ऐड करूंगा तो आपकी रहेगी तो 103 ही, ठीक है, लेकिन जो इन्वेंट्री, अच्छा इन्वेंट्री वैल्यू भी देख लीजिए प्राइस की कितनी है 96.। आपने चेक किया था? हाँ 96.। ठीक है, अब क्या हो रहा है ये ₹2 से इसका प्राइस घटे, ठीक है, एक आइटम का हम ये बता रहे हैं। अब वहाँ पे वैसे ही मैं अगर सपोज 100 आइटम आपने मंगाया तो 100 लेकिन इसके 2 ही आइटम था, दो या एक आइटम, ठीक है, वैसे ही मैं ऐड करूँगा, देखिए क्वांटिटी सेम रहेगा फिर चेंज क्या होगा फिर प्राइस में वेरिएशन, माइनर वेरिएशन है वो भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना से इंडेक्शन में वैल्यू आएगा आपका जो प्राइस था इन्वेंट्री का वैल्यू जो आपका जो टोटल स्टॉक की वैल्यू था वो माइनर डिक्रीज किया, क्यों, क्योंकि वेंडर ने हमें प्राइस रिवाइज करके दिया कि भाई आइटम की प्राइस डिक्रीज हो गई जिसको हमने यहाँ पे कंपनसेट किया है। अब दूसरा केस कि आइटम जो है वो हमें जितना भेजा था उसमें से कुछ डैमेज निकल गया, ठीक है, उसके साथ उतना डैमेज निकलेगा उतना आइटम इनटू प्राइस से कर देंगे तो वो हमारा डेबिट में वो उससे बन जाएगा, क्लियर रंजीत जी? हाँ जी सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर। इस फॉर्म के ऊपर दो कंडीशन में अपना एपी क्रेडिट में वो बनेगा, या तो प्राइस कम होगा कंडीशन में, या फिर अपने को जो आइटम है वो अपने को अपने कॉम्पिटिटिव अपने अपने मुताबिक नहीं मिला, या फिर उसकी डैमेज निकला उस कंडीशन के, आइटम जो मंगाया वो नहीं मिला उससे क्वांटिटी कम मिला तो ही यहाँ पे, अगर उससे ज्यादा मिला है तो आप जाएंगे क्रेडिट में, हाँ ठीक है, वो दूसरे फॉर्म पे जाना पड़ेगा फिर अपने को, वहाँ पे प्राइस बढ़ेगा, हाँ वहाँ पे प्राइस बढ़ेगा और वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ेगी तो उस फॉर्म पे काम करेंगे हम,